ठीक है, दिस लैब्स कंटेन्स अ रिफ्लेक्टेड कॉस्ट इन द सर्च क्वालिटी ट्रैकिंग फंक्शनैलिटी वेयर द एंगल ब्रैकेट्स आर एनकोडेड द फंक्शन इन द जावास्क्रिप्ट। ठीक है, टू सॉल्व दिस लैब, हेलो सर्च में है बेसिकली, बैक टू ब्लॉक। अरे वाह, तो बेसिकली इसमें क्या, हमारा जो इनपुट है वो ऑलरेडी स्क्रिप्ट टाइप के अंदर है, ये तो सबसे इजी टाइप का एक्सरसाइज होता है, सबसे इजी टाइप का एक्सरसाइज। आपका जो इनपुट है सोचो वो सीधा सीधा, आपको स्क्रिप्ट टाइप देने की जरूरत ही नहीं है, आपका इनपुट ऑलरेडी, और ऐसा मैंने एक्चुअली एक्सप्लॉइट करा भी है। ठीक है, एक आई थी वेबसाइट, मैंने भी करा, मेरे साथ वालों को भी मैंने देखे उनके एक्सरसाइज जो ऐसे मिल जाते हैं कई बार, जिसमें क्या आता है जो इनपुट है वो ऑलरेडी हमारा स्क्रिप्ट टैग के अंदर जा रहा है, और ये सबसे इजी टाइप का एक्सरसाइज है। स्क्रिप्ट टैग में तो ऑलरेडी जा ही रहा है, तो यानी कि मैं जो भी लिखूंगा वो एज एचटीएमएल, वो जावास्क्रिप्ट कोड की तरह पढ़ा जाएगा, मैं जो भी लिखूंगा वो जावास्क्रिप्ट कोड की तरह पढ़ा जाएगा। तो बहुत सिंपल है, मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ इसका क्या बनेगा। इसको कॉपी कर लेते हैं पूरे को, इस कोड को कॉपी करा, यहाँ पेस्ट करा, ठीक है। अब जो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ जा रहा है ना, और ये सब कुछ यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, तो मैं क्या दे सकता हूँ, ए उसके बाद एक सिंगल कोड दूंगा ताकि ये वाला बंद हो जाए। अब हमारे पे व्यवस्था ये है ना, अब ये वाली लाइन को मेरे को एंड करना है, इस लाइन को एंड कर देंगे, तो एंड कैसे करते हैं एक लाइन को जावास्क्रिप्ट में, सेमी कॉलन, उसके आगे अब आप जो भी दोगे वो एक नया जावास्क्रिप्ट का कोड होगा। तो मैं इसके आगे क्या दे सकता हूँ, अलर्ट वन, खाली ये देना अलर्ट वन, ठीक है, बिना स्पेस के दोगे तो भी चलेगा अलर्ट वन। और इसको हम क्या काम करेंगे, आगे के पार्ट को कमेंट आउट, इसको कमेंट कर देंगे ताकि ये दिक्कत ना कुछ करे हमारे को, ठीक है। इतना पार्ट, ये हमारा पेलोड है, इतना सबको समझ आया तो बहुत सिंपल था, सॉल्व भी हो गई लाइन। अरे यहाँ पे एक और चीज डालनी है, इस लाइन को, अपनी वाली लाइन को भी क्लोज कर दो, ये अलर्ट वन को भी क्लोज करने की वैसे, हाँ क्लोज कर दो, चलो हो गया, सिंपल था, एक बारी में हो गया।